सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मैं अनुपयाल स्वागत करती हूँ आपका अपने YouTube चैनल में। इस वक्त मैं देवभूमि उत्तराखंड के नीलकंठ साइड से बोल रही हूँ और अभी सुबह के 7:30 बज रहे हैं। आज मैंने अपने ब्लॉग की स्टार्टिंग जल्दी कर दी सुबह से ही, क्योंकि आज कुछ खास दिन है। आज है 1 अक्टूबर और स्वच्छता अभियान, तो आज के दिन हम सब अपने अपने घर की सफाई करेंगे, घर की और घर के आसपास नालों की सफाई। ये अपनी सफाई तो हर कोई इंसान कर लेता है, अपनी खुद की और अपने शरीर की, और घर के आसपास की सफाई करना एक सबसे बड़ी बात होती है, क्योंकि इसमें हम सब की भलाई है और सबके स्वास्थ्य के लिए एक बहुत अच्छा मिशन है ये। हम सबको इस पर ध्यान देना चाहिए और सफाई रखनी चाहिए अपने घर के आसपास, और हमें कूड़ा करकट नहीं फैलाना चाहिए, पन्नी पुन्नी, क्योंकि ये आने वाले भविष्य में ना एक ख़तरनाक मुश्किल बन सकती है हम सब के लिए, क्योंकि आजकल बढ़ती हुई बीमारी के साथ साथ उनका एक मुख्य कारण ये गंदगी है, प्लास्टिक, प्लास्टिक का यूज जो सबसे ज़्यादा हो रहा है। इस पर बैन लगना चाहिए, प्लास्टिक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इसका ज़्यादा से ज़्यादा यूज हो रहा है। लोग इधर उधर फेंक देते हैं घर के आसपास, और ये इससे बहुत ज़्यादा भयंकर बीमारी फैलने का खतरा है, और अगर हमने इस पर अभी से ध्यान नहीं दिया तो ये बहुत ख़तरनाक रूप ले सकता है आगे चल के। हमारी आने वाली पीढ़ियाँ बहुत खतरे में आ सकती है, तो हमें आज ही इस पर एक एक्शन लेना पड़ेगा, और सबको अपने घर के आसपास की सफाई करनी चाहिए। और बोलते हैं घर में अगर सफाई हो, घर के आसपास सफाई हो, तो उस घर में लक्ष्मी की कभी कमी नहीं रहती है, उस घर में सब कुछ ठीक ठाक रहता है। यहाँ पे सासू जी ने भी झाड़ू पकड़ लिए हैं, हम दोनों ने तो भाई कर ली तैयारी सफाई करने की, अब देखते हैं लोग भी करेंगे हमें देख के। चलो जी, हम तो करते हैं सफाई करने के लिए। सासू जी भी यहाँ पे जोर शोर से सफाई कर रहे हो, तो कैसा लग रहा है आपको? क्या अच्छा लग रहा है सफाई करके, पता नहीं कितनी बार सफाई कर लिया उसे, पर अलग ही कुछ महत्व है। हाँ,
अलग पूरी सब एक मतलब साथ करके सफाई कर रहे हैं। ये अनुभवी लोग हैं क्योंकि इन्होंने इतने साल गुजारे हैं, इनको अच्छा लगता है सफाई करने में। और ये हमें भी बोलते रहते हैं कि घर में सफाई करना चाहिए। गांधी जी हमारा बड़ा भाग्य छाया, जो पैसा रोज कमान छाया। गांधी जी को बहुत बहुत धन्यवाद। आज उनकी उपलब्ध में हम सफाई कर रहे हैं सर। मोदी जी ने कहा कि पूरी सफाई करो घर में, थोड़ा एक घंटा आपको करो। आपको प्रधानमंत्री कैसे लगते हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री? अच्छे लगते हैं। अच्छा, मतलब उनकी सोच एक पॉजिटिव है, अलग ही सोच है एक पॉजिटिव। कोई एक घंटा श्रमदान करें, सफाई हो जाएगी, श्रमदान हो जाएगी। गांधी जी के जन्मदिन पर उनको बहुत बहुत धन्यवाद। सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। सब बहना ऐसे सफाई करें, सब एक साथ मिलकर बहुत ही अच्छा लगेगा। गांधी जी के जन्मदिन पर सब सफाई करो। मोदी जी ने कहा कि सब सफाई करो, सफाई एक गांव करो, श्रमदान करो थोड़ा एक घंटा। सभी ऐसा सफाई करें, बहुत ही अच्छा लगेगा। श्राद्ध भी है और नवरात्रि भी आने वाले हैं। हम अपने नीलू के लिए सफाई कर देंगे, ये भी सफाई पसंद करती है दोनों। आज हमने सारा सफाई सफाई करके और कूड़े पर आग भी लगा लिया है। तो आज की वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कमेंट शेयर करें। मिलते हैं ऐसी एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।